नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबरों के साथ, जहां पर कानपुर चुंगी के पास आपे और लोडिंग में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। वही अगली खबर कासगंज की, जहां कासगंज इंस्पेक्टर अनिल कुमार और क्राइम इंस्पेक्टर राम प्रकाश गौतम ने मुहर्रम पर्व के मद्देनजर सारे रूट का बाइक से भ्रमण किया। वहीं मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील भी की, साथ ही बताया कि सभी निर्धारित रूट से ही ताजिए को निकाले जाएंगे। वहीं अराजकता और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही अगली खबर में, शासन के आदेशानुसार 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते सभागीय परिवहन विभाग झांसी द्वारा आज प्रथम दिवस बबीना ब्लॉक के ग्राम ढिकौली के प्राथमिक विद्यालय में सड़क सुरक्षा समिति की सदस्य और ट्रैफिक वार्डन श्री प्रगति शर्मा के संयोजन में यातायात की पाठशाला के अंतर्गत विद्यालय के बच्चों, ग्रामीण महिलाओं, पुरुषों को सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु मुख्य अतिथि सहायक सभागीय परिवहन अधिकारी हेमचंद्र गौतम ने शपथ दिलाई। साथ ही छोटे छोटे बच्चों को बड़े ही रोचक ढंग से सड़क सुरक्षा नियमों के विस्तार से जानकारी दी और बताया कि आप अपने परिवार में जाकर पिता भाई या अन्य किसी को भी बिना हेलमेट के वाहन नहीं चलाने देंगे। वही चौपाल की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर अचल सिंह चिरार ने बताया कि जीवन एक ही बार मिलता है, अतः हम सभी को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। अगली खबर, बिजनौर के चांदपुर तहसील के जलीलपुर रोड पर गाय से टकराकर बीरोपुर ग्राम प्रधान टेकचंद के पिता विजय कुमार की मौत हो गई। परिजनों को मृत्यु की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिवार वालों ने शव को घर लाया। बता दें कि परिवार में काफी दुख का माहौल है। परिजनों ने छोटा आवास पशुओं को गौशाला में भेजने के लिए प्रशासन से गुहार भी लगाई है और कहा है जो वाक्य हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि वो रास्ते पर घूम रहे आवारा पशुओं को गौशाला में पहुंचाएं, जिससे ऐसा हादसा किसी दूसरे के साथ ना हो पाए। अगली खबर, ग्वालियर से, जहां रोड स्थित ग्रासलैंड के पास कपड़े से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ट्रक में कपड़े भरे हुए थे, जिसमें अचानक आग लग गई। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, वहीं पुलिस आग लगने के कारणों का पता कर रही है। वो ग्वालियर रोड पर लगभग फायर स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर सूचना मिली कि ट्रक में, जिसमें कुछ कपड़े वगैरह भरे हैं, आग लगी है। तो हम मौके पर, हमारी दो गाड़ियां आई और आग की विविधता को देखते हुए दो गाड़ी और आई और देख रहे हैं आग को बुझाया जा रहा है, जिसमें पूरा कपड़े भरे हुए हैं। अब देख ही रहे आपके सामने है, कोई बड़ा अच्छा हुआ, कोई जनहानि नहीं हुआ। आग को पूर्ण रूप से लगभग कंट्रोल में कर लिया गया है। अगली खबर में, बदायूं जिले के बिसौली कस्बे में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से लगातार मौत हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है, क्योंकि इन जच्चा बच्चा केंद्रों पर कभी कार्रवाई नहीं होती है और मौत का सौदा कराकर उनका फैसला करा दिया जाता है। बिसौली कस्बे की रहने वाली नाजमा नाम की गर्भवती महिला को लेकर उसके परिजन बिसौली में ही स्थित मेडिकेयर हॉस्पिटल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि उस महिला की पिछले साल भी ऑपरेशन से बच्चा हुआ था और जिस जगह पहले ऑपरेशन हुआ था उसी जगह फिर से ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि महिला के परिजनों को रुपए देकर मौत के सौदेबाजी का दबाव बनाया जा रहा। वही अगली खबर, यूपी के पीलीभीत जनपद की, जहां पूरनपुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के ब्लॉक अध्यक्ष ने मंगलवार को उप जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि घुंघचाई इंस्पेक्टर का व्यवहार क्षेत्रीय लोगों के प्रति काफी खराब है।
गरीबों को वो बेवजह परेशान करते हैं। बता दें कि भाक्यू ब्लॉक अध्यक्ष का आरोप है कि सिमरिया गांव में जमीन को लेकर विवाद हो गया था, जहां पुलिस सभी को पकड़कर थाने ले आई। जब लोगों ने इस संबंध में बात की तो नाराज इंस्पेक्टर ने भाक्यू नेता के साथ अभद्रता और गाली गलौज करते हुए थाने से भगा दिया। वही पीड़ित ने SDM और CO से शिकायत कर इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। वही सुनवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। क्या नाम है आपका? रामगोपाल। रामगोपाल, क्या शिकायत लेकर तहसील में आया हो? शिकायत भाई साहब, आज हम सिमरिया का मैटर था, खेत का विवाद, तो उसमें लोग पकड़ के आए, औरतें भी पकड़ के आई, आदमी भी पकड़ के आए, तो उसमें हम तुम्हें बताओ फैसला करने आए थाने में समझौता, और समझौता करने आए तो SO साहब वहाँ सरदार लोग बैठे थे, तो SO साहब तुम्हें बताओ हमें गाली फकरी देने लगे कि साले किसान यूनियन नेता बने घूमते हो और डाल लेते हैं अंगोछा जी, अंगोछा उतार के अलग फेंक दो, घर में बैठ जाओ, मजदूरी करो, नहीं तो सारा खाल निकाल देंगे पकड़ के। वही अगली खबर झांसी से, जहां पर झांसी में आधा दर्जन से अधिक युवक SSP कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वो सभी ठगी का शिकार हुए हैं। लोगों ने बताया कि हमारे साथ धोखाधड़ी की गई और नौकरी का झांसा देकर हम लोगों को फंसाया गया है। संतोष कुमार नाम के व्यक्ति जो कि हंसारी में रहता है, वो और उसकी बहन जो कि पेशे से एक गवर्नमेंट टीचर है, उन दोनों ने मिलकर सभी के साथ साजिश की है। पहले तो सभी को बुलाकर बताया कि हम भाई बहन के पास रेलवे के कोच फैक्ट्री में नौकरी लगवाने का कॉन्ट्रैक्ट है। वही इस पर दोनों ने कुछ फर्जी प्रूफ दिखाकर सभी को अपने जाल में फंसा लिया और 50,000 रुपए प्रत्येक युवक से ले लिया। कई दिन निकल जाने के बाद जब युवकों को नौकरी नहीं मिली तो सभी ने एक दूसरे से संपर्क कर SSP कार्यालय आकर SP सिटी ज्ञानेंद्र कुमार को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या हुआ, आप लोगों के साथ क्यों आया आज आपने? जी, हमारा आने का पर्पस यही था कि जो हमसे हमारे साथ धोखाधड़ी की गई, जो मतलब नौकरी का झांसा देकर हम लोगों को फंसाया गया, एक संतोष कुमार का नाम के व्यक्ति हसारी में रहता है, जो कि उसकी बहन जो है वो गवर्नमेंट टीचर है, तो उन दोनों ने मिलकर ये साजिश की है कि उन्होंने सबसे पहले तो सारे लोगों को बुला के एक बताया कि हमारे पास जो रेलवे में कोच फैक्ट्री में वैकेंसी निकली है, तो वो क्या है, आपकी वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो हम लगवाते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ बता के और कुछ एक दो प्रूफ भी बताया कि हम ऐसा काम करवाते हैं। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर NIA की टीम ने ड्रग तस्कर का घर सीज कर दिया है। NIA ने ये कार्रवाई NGPS एक्ट के तहत की है। बताया जा रहा है कि 2022 में की गई छापेमारी के दौरान रजी हैदर के घर से ATS गुजरात को करीब 500 करोड़ की चरस बरामद हुई थी। वही ATS ने रजी हैदर को अटारी बॉर्डर से गिरफ्तार भी किया था। वही मंगलवार को शहर कोतवाली क्षेत्र में NIA दिल्ली की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और कोतवाली पुलिस को साथ लेकर दक्षिणी खालापार में एक साल पहले ड्रग तस्करी के मामले में दबोचे गए रजी हैदर के बेटे अमानत अली के 120 स्क्वायर मीटर में बने मकान को सीज कर दिया है। एसडीएम साहब, आज NIA की टीम द्वारा मुजफ्फरनगर में कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई हुई? ये कार्रवाई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, भारत के गृह मंत्रालय द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था, इसमें यह कहा गया था कि ये व्यक्ति जो कालापार के निवासी हैं, जिनका नाम है रजी हैदर जैदी, सन ऑफ लेट अमानत अली जैदी, इनकी भूमि को कुर्क करने का आदेश हुआ था। वही अगली खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज के जिले मऊआइमा क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने पर प्रभारी निरीक्षक मऊआइमा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 376 पॉस्को एक्ट के वांछित अभियुक्त आदित्य चौहान के बेटे 20 वर्षीय गुलाबचंद चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 16 जुलाई को पीड़िता नाबालिग बच्ची जो कि अपने नानी के घर आई हुई थी, हैंड पंप पर नहाने गई, जिसके साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बहला फुसलाकर पंचायत भवन में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया गया था, जिसके संबंध में थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसको लेकर के अभियुक्त को पुलिस ने 16 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की है। 17 जुलाई 2023 को थाना मऊआइमा में रात्रि को एक लिखित तहरीर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उन्हीं की जो बच्ची है, 10 वर्षीय एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म की सूचना मिली।
इसमें तत्काल एक्टिव होकर ACP फूलपुर द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और रिकॉर्ड 16 घंटे में अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। बच्चे का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और जल्दी बयान कराकर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वही अगली खबर संभल से, जहां संभल में गौशाला की दुर्दशा का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां जीवित गौवंश पर कीड़े मंडरा रहे हैं। वही प्रशासन द्वारा की गई लापरवाही को देखते हुए CDO ने कार्रवाई की बात भी की है। ये वीडियो संभल ब्लॉक के गांव शरीफपुर गौशाला का बताया जा रहा है। नॉलेज में आया है मेरी और मैंने संज्ञान लिया है और मैंने एटवंस वहाँ के जो ग्राम पंचायत सचिव है इस महीने का वेतन रोका है, प्लस इसके अलावा स्थायी वेतन वृद्धि मैंने उसकी एक रोक दी है और इसके अलावा प्रधान को भी नोटिस जा रहा है। एक्चुअल में दिक्कत इस बात की हुई है कि वहाँ जो डॉक्टर अभिषेक थे उनका स्थानांतरण हो चुका है, उनके स्थान पे उनका स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप ये हम लोगों की जानकारी में नहीं आया मामला और वहाँ का प्रभार जल्दी ही डॉक्टर हेमेंद को हम लोगों ने दे दिया है और इसको हम आगे भी देखेंगे। वही अगली खबर संभल जिले के सदर कोतवाली इलाके में नौकरी का झांसा देकर 150 लड़कियों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी उस समय हुई जब कार्यालय पहुंची लड़कियों को दफ्तर बंद मिला। ठगी का एहसास होने पर कोतवाली में महिला सहित दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना कोतवाली संभल में कुछ लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा फर्जी तरीके से एक कंपनी बनाकर 6,000 रुपए लिए गए एवं उन्हें नौकरी का लालच दिया गया और तत्पश्चात जब उन्होंने पैसे की मांग की तो कंपनी के कुछ लोग जो कि वहां रहते थे। वही अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से, जहां भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल की AGG राधिका ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने बॉर्डर पर तैनात जवानों को सुरक्षा के दृष्टिगत कई प्रकार के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही बॉर्डर पर लगे CCTV कैमरों और रजिस्टर आदि की निरीक्षण भी किया। AGG के बॉर्डर पर पहुंचने पर ही सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट दिखी। नेपाल के इस दौरान नेपाल के अधिकारी भी सीमा पर हुई बैठक में शामिल हुए, जिसमें नशे के कारोबार, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमारे जवान ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ऐसे ही रहा तो किसी भी अवैध गतिविधि को हर हाल में रोक दिया जाएगा। नहीं, ईमानदारी से काम करें, अच्छा से काम करें। हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छा रिश्ता है, रोटी बेटी का नाता है। इट विल कंटिन्यू बिकॉज वी हैव एज ओल्ड रिलेशनशिप, अच्छा रिश्ता है। इट विल कंटिन्यू टू बी देयर। आप सब सहयोग करेंगे एंड वी विल ऑल डू ए गुड जॉब। व्हाट जॉब? वी रिक्वायर ऑल ऑफ यू टू हेल्प अस इन डूइंग ए गुड जॉब हियर। अच्छा काम करने के लिए सबका मदद चाहिए, आपका भी मदद हम मानते हैं। वही अगली खबर महाराजगंज से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की फंदे से लटका शव मिला, जिसको देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोल्हुई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई में जुट गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी फरेंदा अनुज कुमार सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। वही अगली खबर बाराबंकी से, जहां जनपद बाराबंकी के कोतवाली जैतपुर में पीस कमेटी की बैठक की गई। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के साथ थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे की अध्यक्षता बैठक में संपन्न हुई। मुहर्रम के पर्व को लेकर संपन्न हुई बैठक में जैतपुर कस्बे और क्षेत्र के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेताओं के साथ आसपास के लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे ने कहा कि मुहर्रम के त्यौहार को शांति व्यवस्था के साथ मनाएं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण ने कहा कि जुलूस के दौरान किसी भी अस्त्र शस्त्र और चाकू छुरी पास में न रखें, नहीं तो विधिक और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगामी मुहर्रम पर्व के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक की गई। इसमें हम लोगों ने अपनी सभी विभागों को जिनका जो काम है, जैसे बिजली विभाग है, युवा है,
हमारे पुलिस विभाग के कर्मी हैं, राजस्व विभाग के हैं, सबको हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि जिनका जो काम है वो अपना काम सही समय पर पूरा करना है। इस कमेटी में आए हुए लोगों को जो परंपरागत चीज़ें रही हैं उनका पालन करने के लिए बता दिया गया है, जो उनका रूट चार्ट है, जो राज्य की ऊंचाई है, अन्य जितनी भी चीज़ें रहती हैं उन सब के बारे में उनको बता दिया गया है। वही अगली खबर कानपुर से, जहां कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र में 26 मई 2023 को क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर भोलू जबर की गोलियों से भुनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वारदात को 11 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वारदात का आखिरी आरोपी शिबू फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी शिबू पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भी भेज दिया गया है। कानपुर कोतवाली थाने के एसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मृतक भोलू जबर का शिबू के पैसों का लेनदेन और पैसों के विवाद में ही शिबू ने अपने भाइयों के साथ मिलकर भोलू जबर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी थी। उसके अभियुक्त पकड़ा गया है, कितने अभियुक्त अभी तक के पकड़े जा चुके हैं, क्या है प्रोग्राम? ये 26/5/23 को मूलगंज थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर भोलू जबर के ऊपर गोलीबारी करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी प्रकरण में प्रकाश में आए लगभग 11 अभियुक्त, प्रकाश में 11 अभियुक्त आए थे, जिनमें से आज अंतिम 11वें अभियुक्त को, जो शिबू पुत्र हनीफ है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है यही उसला अस्पताल के पास से। वही अगली खबर गाजीपुर से, जहां मनिहारी विकास खंड के विकास कार्यों में खर्च रकम का भुगतान ना होने से खफा प्रधानों ने मंगलवार को ब्लॉक परिसर में धरना दिया। प्रधानों ने बताया कि मंगलवार को ग्राम पंचायत में मनरेगा से कराए गए विकास कार्यों का भुगतान ना होना था, लेकिन खंड विकास अधिकारी के हिला हवाली के कारण भुगतान नहीं हो रहा। उल्लेखनीय है कि सोमवार को मनरेगा योजना से किए गए विकास कार्यों के मजदूरों के मजदूरी का भुगतान होना था, जिसे खंड विकास अधिकारी अनुराग राय द्वारा नहीं किया गया। फिर मंगलवार को ग्राम पंचायतों में कराए गए पक्के कार्यों का भुगतान होना था, लेकिन खंड विकास अधिकारी द्वारा फिर ढोगल नहीं लगाए जाने से नाराज दर्जनों ग्राम प्रधान ने ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठ गए। वही हंसराजपुर के ग्राम प्रधान ज्ञानेंद्र गुप्ता ने अपने शरीर पर ज्वलनीय शील पदार्थ गिराकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिससे पुलिस ने पकड़कर विफल कर दिया। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी जखनिया कमलेश कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा रविंद्र वर्मा और डीसी मनरेगा ने ग्राम प्रधानों और उच्च अधिकारियों से वार्ता कर भुगतान कराने का आश्वासन दिया और धरना समाप्त कराया। प्रधान जी, आज मनिहारी ब्लॉक में प्रदर्शन किया था, गया था, क्या मामला था पूरा? ऐसा था सर कि हम लोग पक्के काम के भुगतान के लिए यहाँ बैठे हुए, विगत हम लोग 15 महीने से या साल भर से ऊपर का जो काम हम लोग कराए थे पक्के काम का, स्कूल की चारदीवारी, पंचायत भवन के पन्नर में इंटरलॉकिंग, नाली, स्कूल में कायाकल्प, जो भी कार्य कराए थे उसके पक्के काम का पैसा आया हुआ था। वीडियो साहब 4-5 दिन पहले कहे कि हम पत्रावलियों का निरीक्षण कर लेंगे और आपके काम को देख करके भुगतान कर देंगे। वही अगली खबर झांसी से, जहां झांसी के मोठ में नगर पंचायत द्वारा ठेकेदार को दिए गए स्टैंड शुल्क के नाम पर ठेकेदार पर गुंडागर्दी के बल पर अवैध उगाही का आरोप ई रिक्शा चालकों ने लगाया है। दर्जनों की संख्या में ई रिक्शा चालक लामबंद होकर अपने ई रिक्शों के साथ मोठ तहसील जा पहुंचे, जहां उप जिलाधिकारी मोठ को ई रिक्शा चालकों ने लिखित रूप से शिकायती पत्र देकर गुंडा टैक्स वसूलने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ई रिक्शा चालकों ने अवैध उगाही का शिकायती पत्र दिया है, दोनों पक्षों को बुलाया जा रहा है। नियमानुसार ई रिक्शा चालकों ने शुल्क वसूल सकते थे या नहीं, इसके साथ ही स्टैंड शुल्क के नाम पर स्टैंड पर ही वसूला जा रहा है या फिर अन्य जगहों पर शुल्क वसूल रहे हैं, इसकी जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। भैया क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। संतोष जी, क्या समस्या को लेकर आए हैं? सर ये समस्या ऐसी है कि मतलब अभी हम लोग इतना कम में रिक्शा चल रहा है जो भी है,
और दिन भर घूमते हैं ऐसे धूप में चल रहे हैं और पैसे वही 100-200 रुपए मिलते हैं उसी में 20 रुपए इनको काटेंगे और महीने का 600 रुपए हो रहा। अब प्लस सालाना करें तो 6-7-8 हज़ार के समथिंग। हम लोग इतने गरीब हैं तो उस हिसाब से इतने पैसे कहाँ से देंगे? किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं वो? हमारा जिला पंचायत वाले ले रहे हैं। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील जानसठ में स्थित शुक्रताल में 22 जुलाई को प्रस्तावित कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के साथ आज शुक्रताल स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पर्याप्त व्यवस्थाओं में संबंध में अधीनस्थों को आश्वासक दिशा निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा उपकरणों को चेक करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने, असामाजिक तत्वों, सौहार्द बिगाड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही। आगामी 22 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी की जनपद मुजफ्फरनगर में एक भ्रमण प्रस्तावित है तो उसी के दृष्टिगत शुक्रताल जो क्षेत्र है उसका निरीक्षण किया गया है। उसमें जो भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें वृक्षारोपण, एक जनसभा जो होनी है और जो हेलीपैड की तैयारी है उसी के लिए आज जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसका निरीक्षण किया गया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश निर्गत किए गए हैं। वही अगली खबर बिजनौर की, जहां अज्ञात कारणों से युवती ने पंखे से लटककर फांसी लगा ली। युवती को देखते ही घर वालों के हाथ पांव फूल गए। युवती की फांसी की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई करते हुए युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला जनपद बिजनौर के थाना नांगल सोती क्षेत्र के गांव तिसोत्रा का है। वही अगली खबर झांसी से, जहां टहरौली तहसील के अंतर्गत आने वाले बघेरा स्वास्थ्य केंद्र में दलालों का धंधा काफी फल फूल रहा है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दलाली के तौर पर 200 रुपए मांगी जा रही है। वही अगर दलाली के पैसे नहीं मिलेंगे तो बघेरा स्वास्थ्य केंद्र में जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बनाया जाएगा। वही वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र ANM रानी दांगी महिला विभाग की हेड के पति के द्वारा ये रकम मांगी जा रही है। वही अगली खबर कासगंज से, जहां मुहर्रम और कावड़ यात्रा की सुरक्षा के मद्देनजर DIG ने सारे रूटों का भ्रमण किया। DIG ने SP और भारी पुलिस बल के साथ ताजिए और कावड़ यात्रियों के साथ रूट का जायजा लिया। DIG शलभ माथुर ने सोरो और बिलराम कस्बे में रूट का भ्रमण कर लोगों से अपील की। वही आगामी पर्व मुहर्रम को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण के साथ मनाएं। कासगंज कोतवाली में DIG ने पीस कमेटी की बैठक के भी निर्देश दिए हैं। वही निर्धारित रूट से ही ताजिए निकाले जाएंगे इसका भी आश्वासन दिया गया है। अराजकता और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वही अगली खबर पीलीभीत से, जहां यूपी के पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील परिसर में अधिवक्ता पंकज शुक्ला ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि उन्होंने महुआ गुंदे निवासी सर्वेश कुमार का आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराया था। लेखपाल ने अधिवक्ता से काम आय लगाने के नाम पर 1100 रुपए भी ले लिए। उसके बाद भी लेखपाल ने आय प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। आय प्रमाण पत्र निरस्त होने की जानकारी पर अधिवक्ता ने तहसील में पहुंचकर लेखपाल को जमकर खरी खोटी सुनाई और हंगामा किया। वही हंगामे के दौरान नायाब तहसीलदार ऋषिकांत ने पहुंचकर अधिवक्ता को शांत कराया। लेखपाल ने 1100 रुपए मांगे, उसके बाद दो आय प्रमाण पत्र ले लिए, उसके बाद में दो आय प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया। बोले आप 5000 और लाओ तब हम बनाएंगे। किसका बनवा रहे थे आप? सर्वेश कुमार पांडे। नहीं, आपके कौन है ये? ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मौसा जी हैं। आप अपने मौसा का बनवा रहे थे, उसमें भी सुविधा शुल्क ले रहे हैं जी? मौसा का आप बनवा रहे हैं, उसमें भी सुविधा शुल्क ले रहे हैं? वो लेखपाल अपने बाप का बनाए उससे भी ले लेना। सही बात है।
नहीं तो आप तो एक अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता होने से क्या होता है? देखिए ना, अधिवक्ता है तो देखिए कितना परेशान किया, 17 अप्रैल से अभी तक परेशान कर रहा है। वही अगली खबर हरदोई से, जहां पुलिस चौकी पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर द्वारा पुलिस चौकी को जमींदोज किया गया। शहर कोतवाली स्थित लालपालपुर चौकी को गिरा दिया गया है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर ये कार्रवाई की गई है। वहीं जल्द ही नई चौकी कस्बे में बनाने का आश्वासन भी दिया गया है। वही इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।